बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाना में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। काफ़ी दिनों से मैं कुकिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो मेरी मोनेटाइजेशन स्टॉप हो चुकी थी, एड्रेस वेरिफिकेशन का इशू आ रहा था, इस वजह से मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। अब शुक्र है वो मसला हल हो गया है। और दूसरी बात ये कि सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये इशू था सुई गैस का, यानी गैस बहुत कम आ रही थी और स्पेसिफिक आवर्स में आ रही थी, तो उसमें सिर्फ घर का खाना ही पक सकता था, वीडियो नहीं बन सकती थी चैनल के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी आई है सुई गैस की सिचुएशन के अंदर, और मेरा बहुत दिल चाह रहा था आप लोगों से मिलने को, बातचीत करने को और अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी मलाई कोटी, जो क्विक बनेगी। हम उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे और सॉफ्ट से सॉफ्ट बने। और दूसरी बात ये कि वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या वो हार्ट पेशेंट है, तो उनके हिसाब से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम मलाई डालें और इसको हम कम से कम ऑलिव ऑयल के अंदर हम बनाएं, कम से कम सॉल्ट हो, यानी हर चीज़ के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट हो, हर कोई उसको खा सके। तो आए हम बनाना सीखते हैं बहुत मज़ेदार सी मलाई बोटी मेरे स्टाइल से। जी दोस्तों, तो ये मेरे पास 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन है, ये ब्रेस्ट पीस है। हम इसके क्यूब स्टाइल में बोटी कट कर लेंगे, छोटे छोटे साइज़ की करेंगे, इससे हमारा कुकिंग टाइम भी बचेगा और हमारी बोटियाँ जो हैं वो अंदर तक फ्लेवरफुल होंगी। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो इन्हें हम अब एक बाउल में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसको कोयले का धुआं नहीं दूंगा, अगर आप देना चाहते तो आप दे लीजिएगा, मुझे बाद में बहुत बुरे दिखार आते हैं। इसके साथ साथ हम इसके लिए जो इसका मैरिनेट है वो रेडी कर लेंगे। ये मेरे पास एक हरी प्याज है, इसका मैं इतना सा टुकड़ा लूँगा, तकरीबन आधा। इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। इसी तरीके से मेरे पास ये दो हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैं मोटा मोटा कट कर लूँगा। और थोड़ा सा हरा धनिया है, इसे भी मोटा मोटा कट कर लेंगे। और ये मेरे पास तलहारी मिर्च है, ठीक है, इसका थोड़ा सा टुकड़ा लूँगा मैं। ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है बोटी के ऊपर, कहीं कहीं पे लाल लाल स्पॉट नज़र आता है। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालें या ना डालें। तो इसको भी मैंने काट लिया है। इन सब चीज़ों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। दर दरा से हमने बनाना है, चंकी सा थोड़ा। जी दोस्तों, तो ये चॉप हो गया, अब हम इसको चिकन में डाल देंगे और अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। पहले आधे नींबू का रस डाल देंगे, फ्रेंड्स मेरे पास लो सोडियम सॉल्ट है, हाफ टी स्पून लिया, बल्कि एक मोटी वाली पिंच ली है, मोटी वाली पिंच ज़ीरा पाउडर और मोटी वाली पिंच ही काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई, एक चुटकी बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून दही, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी दूसरी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने स्क्यूअर स्टिक को पानी में भिगो दिया है, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये ड्राई ना हो और चिपके ना इसके साथ हमारी बोटियाँ। तो हम पूरी पराठा रेडी कर लेते हैं। मैंने आधा कप मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इसको पानी से गूंद लेंगे, थोड़ा टाइट सा हमने इसको हार्ड सा गूंदना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। जी दोस्तों, तो हमारा आटा गूंद चुका है, अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तब तक हम अपनी चटनियाँ रेडी कर लेते हैं, जो हमने उसके साथ सर्व करनी है, 2 तरीके की चटनियाँ। 2 हरी मिर्चें लेंगे, इन्हें कट करके डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, 1 लहसुन का जवा डालेंगे, इसे भी कट कर लेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून लो सोडियम सॉल्ट डालेंगे, 2 चम्मच पानी डालेंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छा सा स्मूथ पेस्ट सा,
जी दोस्तों, तो ये ग्राइंड हो चुका हुआ है। अब हम इसको अपने दो तरीके की चटनियों में शामिल कर लेंगे। मेरे पास 2 चम्मच दही है और 2 चम्मच इमली का पल्प है, तो ये आधा मिक्सचर मैं दही में शामिल कर दूंगा और आधा मैं इमली के पल्प में इसे मिक्स कर लेंगे। जी दोस्तों, हमारा ग्रीन रायता रेडी है और ये जो इमली का पल्प है इसको मैं इसमें डाल के बंद करके हिलाऊंगा थोड़ा सा। हमारी इमली की हरी चटनी रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा आधा घंटा हो गया, चिकन को देखते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम अपनी चिकन को स्क्यूअर स्टिक्स पे लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसको कोयले का धुआं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बाद में बहुत बुरे बुरे से डकार आते हैं। हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, एक स्क्यूअर पे 4 से ज़्यादा बोटी नहीं लगाइएगा। तो इस तरीके से मैं सारी रेडी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये सब रेडी हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इनको तेज़ आग पे हम फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक इनके ऊपर हल्का हल्का सा ब्राउन मार्क नहीं आ जाता। हम सब साइड से इनको ब्राउन करेंगे और तेज़ आग पे करेंगे। चेक करते हैं, इनको टाइम टू टाइम हम टर्न करते रहेंगे। जी दोस्तों, इनको ब्राउन मार्क आने लगे हैं, अच्छे खासे मार्क्स आ चुके हैं। अब इस स्टेज के ऊपर हम इनके आधा टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। मलाई है जो फ्रेश टेट्रा पैक वाली होती है वो डालेंगे। इसको टर्न करेंगे। अब फ्रेंड, इसको हम कवर करके स्लो आग के ऊपर 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। जी दोस्तों, इनको हम टर्न करेंगे। अब 3 ही मिनट के लिए हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे ताकि इक्वली सारी तरफ से कुक हो जाए। इसे हम कवर कर देंगे मज़ीद 3 मिनट के लिए। जी दोस्तों, तो ये रेडी हो गई है। इसको हम रखते हैं साइड पे और पूरी पराठा रेडी करते हैं। ये पेड़ा जो है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, और उससे पहले हम अपनी सरफेस को थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम स्प्रे कर लेंगे ताकि हमारा पेड़ा चिपके नहीं और हमारा पराठा सॉफ्ट बने। इसके 2 पोर्शन कर लेंगे, 2 पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। अब इसे हाथों की मदद से हम बेल लेंगे। थोड़ा सा मज़ीद ऑयल और लगाऊंगा ताकि ड्राई ना रहे। जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हम इसको कर लेंगे। अब इसे हम तवे पे फ्राई कर लेंगे फुल आग के ऊपर। आग तेज़ ही रखी हुई है फ्रेंड्स। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। 1 टेबल स्पून डाला है, इसको फैला लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम सेकेंगे और फ़ौरन से हम पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये कुक हो जाए, क्रिस्पी फ्राई हो। रोटी नहीं बनानी, थोड़ा सा पराठा स्टाइल देना, पूरी पराठा, ताकि जिन लोगों का परहेज़ वो भी इसको इंजॉय कर सकें। इसको अच्छे तरीके से घुमाते घुमाते सेकेंगे, पलटेंगे, और दोनों तरफ से इसको हम घुमाते घुमाते पलटते पलटते इसको हम कुक कर लेंगे जब तक इसके ऊपर अच्छे से ब्राउन मार्क्स नहीं आ जाते। इस तरफ आने लगे हैं और थोड़ा सा प्रेस कर करके इसको सेकेंगे। जी दोस्तों, तो इस तरफ अच्छे से मार्क्स आके दूसरी तरफ भी ले आते हैं। हमारा पराठा रेडी है, हम इसको उतार लेते हैं, दूसरा भी इसी तरीके से बना लेते हैं। इसके पीसीस कर लूँगा 4 ताकि सर्विंग में अच्छा लगे, और हम इसको प्लेट में सजा लेते हैं। जी दोस्तों, हमारी कीटो डाइट मलाई बूटी रेडी है। तो पहले आप इसको नज़दीक से देख लें, फिर मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है ये। ये देखें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बेकिंग पाउडर डाला था, उसकी वजह से बहुत ही नरम बनी है और हमारा कुकिंग टाइम भी कम लगा। तो अब टेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार है, बहुत 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 मज़ेदार है। बहुत दिन के बाद मैंने खाई है, स्पेशली कम नमक वाली, कम ऑयल वाली, घर पे पकी हुई, साफ सुथरी, कम क्रीम वाली, और बहुत हल्के से हम लोगों ने पूरी पराठे बनाए, कम से कम ऑयल वाले, और इसमें खटास भी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत परफेक्ट बनी है।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दे दीजिए, मैं इसको करता हूँ फिनिश और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।